This conference will now be recorded. तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक रियल लाइफ प्रॉब्लम। हालांकि मुझे आज वीवीए स्टार्ट करना था, लेकिन कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। संडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है, तो थोड़ा सा लोग आलसी होते हैं सुबह सुबह, खासकर संडे को। तो जब तक बाकी लोग नहीं आते हैं, तब तक वैभव जी एंड सौरभ गुप्ता जी आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहे हैं, जो कि कल रात को मैंने इस पे काम किया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे एक फ्रेंड, मेरे स्टूडेंट है जो कि कनाडा में बैंक में काम करते हैं, तो उनके पास बैंक से एक स्टेटमेंट उनको दिखता है। स्टेटमेंट दिखा और इसमें क्रेडिट डेबिट और बैलेंस होता है। तो बेसिकली क्या है कि जो स्टेटमेंट होती है, तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो चार्जेस वगैरह डिलीट होते हैं, उस पर उनको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है और उसके ऊपर अलग अलग चीजें करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एटीएम फी है, तो ये बैंक चार्जेस है और इस पे कोई रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल नहीं है, इसको रिपोर्ट में नहीं रखना है। ये चीजें यहाँ बनाते हैं कि अगर यहाँ पे चेक रिटर्न, ये देखिए यहाँ पे एटीएम फी हुआ तो बैंक चार्जेस आ गए। तो इसी तरह के पास कई सारे क्राइटेरिया है। अच्छा जी, माफ आप लीजिएगा, ये चेक पूरा होगा इसलिए ऐसा हो गया। मैं एक काम करता हूँ, डाउनलोड में अब यहाँ पे देखिए लॉगशीट में यहाँ पे आ गया ना, ये चेक रिटर्न हुआ है और ये रिपोर्टेबल है और चेक इनवे है, उनके कैटेगरी है। तो इसमें देखिए उन्होंने कितना लंबा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला मैंने उनको सजेस्ट किया था लास्ट वीक, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे पास एक या दो चीजें हैं, तो एक या दो चीजें हैं तो आप सर्च करके इसका यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनके पास एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ कैटेगरी है और यहाँ पे यस एंड नो है। अब इस कैटेगरी एंड रिपोर्टेबल को इसके अकॉर्डिंग यहां शो करना है। तो चलिए ये हम आपको समझाते हैं, यही पे समझा देते हैं। मैं डाउनलोड से काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, बहुत ही दिमाग चकराने वाला था ये काम। हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो चीजें दिख रही है आपको, इस सारे चीज में अगर कोई भी वर्ड इसमें विजिट करता है तो यहाँ पे आना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये वर्ड सिंगल नहीं होता है, इसके साथ और भी वर्ड होते। जैसे देखिए यहाँ पे चेक है, चेक रिटर्न, चेक नंबर और यहाँ पे कंपनी ने अकाउंट नेम आ गया, एटीएम ईयरली फी आ गया। तो मुझे सिर्फ फी को मैच करना है, सिर्फ चेक को मैच करना है, ऐसे ई ट्रांसफर को मैच करना है, डिपोजिट को मैच करना है, ऐसे मैच करना है, तो उसके साथ हो सकता है। अब एक दिक्कत और होती कि अगर इसको इसमें मैच करना होता तो जनरली हम बी लुकअप या काउंटिंग लगा लेते, मैच में लगा लेते। लेकिन क्या है कि इसको इसमें मैच करना, मतलब इतने सारे जो आपके डिस्क्रिप्शन हैं, इस सारे सेल वैल्यू को मुझे एक एक करके इसमें सर्च करवाना है कि भाई कौन मैच, कौन आ रहा है, कौन सा वर्ड इसमें आ रहा है। जो वर्ड आ रहा है उसके सामने वाली जो वैल्यू है वो शो करना है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल था। हालांकि इसके लिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए बना सकते थे, बट उनका कहना था सर मैं वीवीए इस्तेमाल नहीं करता, हमारे कंपनी वीवीए को अलाउ नहीं करती। अब यहाँ भी एक टर्मिनल कर लीजिए वैभव जी एंड सौरभ जी, आप बहुत सारे कंपनी वीवीए को नहीं अलाउ करती है। ओके बहुत सारी कंपनी, ऐसे बहुत सारी कंपनी मुझे मिली है, क्योंकि मेरे पास दिन में 100-150 कॉल्स आते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड। तो उसमें से मोस्टली लोग कहते हैं सर वीवी हमारे पास नहीं होता है, हम वीवी यूज नहीं करते। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया एक्सेल से कैसे, तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया एरर फॉर्मूला। अब देखिए एरर फॉर्मूला हमने क्या किया, मैं यहाँ अलग अलग सेल में करता हूँ। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया मैच का। अब मैच फॉर्मूला में क्या है, मान लीजिए कि मैच फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसमें जाता हूं,
और कॉमा जीरो कर देता हूं, तो ये रिजल्ट एन दे देगी। एक काम करते हैं, इसमें कर देता हूं, इसमें एन दे रही है क्योंकि एग्जैक्ट मैच करती है। अगर मान लीजिए इसको मैं वन कर दूं तो यहां पे वन दे, लेकिन फिर वो एग्जैक्ट ए नहीं होगा, मतलब कि रिजल्ट आपको सही हमेशा नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे चेक, तो रिजल्ट नहीं देगा। जैसे वन कभी कभी करते हैं, इसका अलग रूल है, वो ग्रुप लुकिंग के से वर्क करता है, बट यहाँ पे एन नहीं देगा। लेकिन अगर हम अपने ट्री के अंदर जाए और स्टार लगा दें तो रिजल्ट वन दे देगा, मतलब कि ए इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब सिर्फ एक हुआ और मुझे ऐसे पूरे को सिलेक्ट करना है, समझे? अब इसको उठा कर, मैंने इसलिए बोला था कि अगर मैंने चेक को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एंटर मारता हूँ, नहीं आ रहा है। अगर यहाँ वन देता हूँ तो रिजल्ट आ जाता है, आ गया ना सर? इसलिए मैंने मना किया था कि वहां वन नहीं देना है, जीरो ही रहेगा। तो हर किसी को मुझे एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सबके आगे पीछे स्टार लगाना है। सबके आगे पीछे स्टार लगाने के लिए क्या करेंगे कि हम कॉन्क्लेव कर देते, और इसमें हम इसको चार्ज को लेते हैं और एन परसेंट। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस तरह से स्टार लगाते हो तो भीलू का भी मैच कर लेता है और काउंट भी कर लेता है, मैच भी कर लेता है, सारे फॉर्मूले इसको यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो जाता है कंटेन, ठीक है? जैसे कंट्रोल एफ का यूज करते हैं, हाँ उस तरह से हो जाता है। सुजीत जी, हाँ जी, सर, मैंने एक बार अपना डॉक्यूमेंट बना रहा था, तो मैंने इंडेक्स के अंदर मैच फॉर्मूला लगाया था टू फाइंड आउट द सेम यूनिक वैल्यू। तो हम इस फॉर्मूले के बेस पे भी इस शीट में से कोई भी यूनिक वैल्यू को कॉल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, वो आप आपके प्रॉब्लम में भी आते हैं, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके ठीक है। तो अब प्रॉब्लम हुआ कि ये तो मैच किया, लेकिन एक को मैच किया, पूरा मैच नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमने पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया, फिर भी रिजल्ट हमारा एक ही आया। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, सम में डालता हूँ, सम फिर भी वन आया। यहां पर मैं करता हूं कंट्रोल शिफ्ट एंटर एरे के लिए, तो यहां पे एन ए आया। अब एन ए क्यों आया, इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं। और यहाँ पे अब बोलेगा सर कंट्रोल से एंटर क्यों किया, क्योंकि तो मैच कहता है कि मैं एक बार में एक रिजल्ट, एक मैंने यूनिक वैल्यू लूंगा और एक ही को मैच करूंगा, एक ही रिजल्ट दूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे बी थ्री से बी से एंटर कर दिया, मतलब कि मैंने यहाँ पे 15 दे दिए, इसलिए रिजल्ट आपका एन ए दे दिया। अब सब इसलिए लगाया कि सब क्या करेगा, यहाँ पे देखिए मैच जब चलेगा लूप बन जाएगा, जैसे वीवी में लूप होता है ना सर, ऐसे लूप की तरह वर्क करेगा। और वो देखिए 15 रिजल्ट देगा, यहाँ पे वन दे दिया, पर 15 रिजल्ट जो इसने दिया, वो 15 रिजल्ट जो दिया उसमें से एक को रिजल्ट दिया, बाकी एन ए कर दिया। अब एन ए करने से प्रॉब्लम क्या हुआ कि आप सब कहता है कि मुझे मुझे कोई एरर दोगे तो मैं भी आपको, तो इसलिए एरर रिटर्न हो रहा है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए एरर फॉर्म में ही हम इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं, इफ एरर, और हमने यहां पे बोला कि जीरो हो जाए। और यहां पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। मैच चला 15 बार चला, इफ एरर ने जिसका जिस मैच का रिजल्ट आया है उसको छोड़ के जिसका एरर आया है उसको जीरो में कन्वर्ट कर दिया।
सम सम करना, बट मुझे यहाँ पे सम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पोजीशन। अब मैं इसको मान लीजिए कि मैं अगर एटीएम फी के जगह पे मैं यहाँ चेक कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अब यहाँ एवलेट करेंगे फॉर्मूला, देखेंगे कि हाँ, तो मुझे पोजीशन, ये तो वन दे रहा है, मुझे वन नहीं चाहिए, मुझे पोजीशन ये काउंट करे कि वन कितने मैच पे आया है, कौन सा मैच दे रहा है, मतलब तो ये काउंट करे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका 13 तक जाए और इससे आगे काउंट ना करे। तो इसके लिए मैं एक और मैच लगा रहा हूं इसी के अंदर, मैं बोलता हूं मैच नहीं, इसके अंदर में सम, इसके सम के बाद सम, जो एरे फॉर्मूला के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए, मैच 1, और फिर लास्ट में कॉमा 0 और कंट्रोल शिफ्ट रिजल्ट 13 आ गया। अब कैसे आया ये देखिए, मैच 13 15 बार चला, इस एरर ने क्या किया, जिसका रिजल्ट है उसको छोड़ के बाकी सबको 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब मैच क्या कर रहा है कि फिर इस 1 को ही इसमें मैच कर रहा है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और मैच रिजल्ट देता है रो काउंट या कॉलम काउंट या एरे काउंट, इसमें एरे काउंट दिया कि कितने नंबर वाला मैच वर्क किया है, उसका रिजल्ट 1 कहां में है, इस 1 का पोजिशन इसने दे दिया 13 और सामने उसको 13 को बाहर कर दिया। अब डायरेक्ट मैच से भी हो सकता था, और मैंने सम में हटा देता हूं, एक चीज मैंने देखा नहीं था कल, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो डायरेक्ट मैच भी करता है, तो मुझे पता चल गया कि कौन सा नंबर रो है। अब मैं इसमें ऑफसेट का फॉर्मूला या इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा कि यहां से जाओ इतने नंबर रो, और इसका कॉलम नंबर मैंने बोल दिया कि भाई एक, बैंक का कैटेगरी मुझे मिल जाएगा, और फिर मैं यहाँ वापस ऑफसेट लगाया, हमने बोला कि इसमें जाओ 13 नंबर, और हमने कॉलम बार बोल दिया दूसरा नंबर, 0 से काउंट करता है, 0 1 2 0 1 ऑफसेट, रिजल्ट आ गया। अब लेकिन प्रॉब्लम है कि इसे एक सेल में होना चाहिए था ना, तो फॉर्मूला मर्जिंग में था, समझ लीजिए यहाँ पे कि अब दो अलग अलग फॉर्मूले में है, तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को यहां से कॉपी करेंगे और जहां मैंने E13 लिया है वहां पर डाल के कंट्रोल शिफ्ट एंटर पेस्ट करेंगे, और यहां भी हम सेम करेंगे, E13 पे पेस्ट करा लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हम एरे के लिए कर रहे हैं एरे। अब इसको नीचे ड्रैग करना है, तो नीचे ड्रैग करने के लिए तो करना पड़ेगा आपको फ्रीज, फ्रीज पता है सर, हाँ जी, हमने इसको फ्रीज कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अब नीचे ड्रैग करेंगे तो मेरा आ गया। अब देखिए यही दिक्कत होती है कि अब नॉर्मल एक्सेल में कितनी लंबी फॉर्मूला बनाए, ठीक है सर, अब इसमें किसी का एक चेंज करना होगा, मान लीजिए कि ई ट्रांसफर में EMT नहीं है, इसके जगह कुछ और शो करना है, तो कितने जगह पे शो चेंज करना पड़ेगा और कितना ज्यादा बहुत बड़ा लेंदी होगा इसको चेंज करना। लेकिन मेरे इस फॉर्मूले में क्या है, एक तो छोटा फॉर्मूला हुआ और मैं आसानी से यहाँ पे रिजल्ट चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऑनलाइन ट्रांसफर, वो अपने आप चेंज हुआ आपने। तो एरे फॉर्मूला बताने का पर्पस ये है कि आप लोग डायरेक्ट बीबीए सीख रहे हैं, एक एग्जांपल आपको बताने का एक पर्पस था, पर्पस ये था कि अभी आप जो है डायरेक्ट बीबीए सीख रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आप डायरेक्ट बीबीए सीखते हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं एक्सेल के, वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है, तब जाके आपका
ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करें आज का वीबीए चैप्टर। वैभव जी आपके जी जी सर, हो जो है स्टार्ट बहुत किया जाए, वेट कर रहे स्टार्ट हैं। करें। सुजीत जी, एक 2 मिनट रुकेगा, मैं भी कॉल करके बस आपसे कंफर्म करता हूँ वो दूसरे बंदे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। This conference will now be recorded. आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आगे बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की, और हम वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की पहली क्लास है, और पहली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए। तो वीवीए के बारे में कुछ फंडामेंटल जानते हैं, फिर उसके बारे में और चीज हम जानेंगे आपके साथ इस क्लास में। सबसे पहले जानेंगे कि वीवीए का फंडामेंटल, वीवीए क्या है। वीवीए है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, वीवीए आपका जो डॉटनेट वाली जो वीवीए है वो वीवी नहीं है। VV6 जो होती थी या वीवी जो होता था वो नहीं है। उसकी प्रोग्रामिंग मिलती जुलती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये डिफरेंट है। वीवीए जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन के अंदर में नए फीचर्स को क्रिएट करने के लिए या एडिंग्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये सिर्फ एक्सेल पे वर्क नहीं करता है। ये वर्क आपको पावर पॉइंट, आपको आउटलुक, आपको वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशन है सब पे करता है। लेकिन इस चीज का ध्यान आप रखिएगा, कि जब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट में यूज करेंगे, जैसे आप एक्सेल में यूज कर रहे हैं और वर्ड में जाकर लिखना चाहते हैं, तो एक्सेल और वर्ड की जो कोडिंग होती है वो कोडिंग चेंज हो जाती है। क्योंकि एक्सेल में हैंडलिंग होता है शीट, रेंज और फाइल, और वर्कबुक में होता है डॉक्यूमेंट, स्लाइड, डॉक्यूमेंट पेज एंड पैराग्राफ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उसकी प्रोग्रामिंग अलग अलग है। हाँ, उसमें भी लूप, उसमें भी कंडीशंस, बाकी कनेक्टिविटी सब एक जैसा ही होता है। तो विजुअल बेसिक से हम करेंगे क्या, वीवीए के जरिए हम बनाएंगे क्या। मान लीजिए कि वीवीए हमारा एक फैक्ट्री है, तो वीवीए के जरिए हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं इस बारे में पहले जानते हैं। क्योंकि आखिर ऑफिस में आप अगर काम करेंगे तो इससे क्या क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करें कि वीवीए के थ्रू क्या बनाएंगे। तो पहला हम बनाते हैं वीवीए के थ्रू, होता है माइक्रो। अब माइक्रो क्या होता है, माइक्रो को हम कह सकते हैं इसे ऑटो पायलट। जैसे कि आप आपको कोई रिपोर्ट आपकी है, उसको बनाने में 1.5 या 2 घंटे का टाइम लगता है, तो जो कंसेप्ट, जो स्टेप्स आप इस्तेमाल करते हैं, उसी कंसेप्ट और उसी स्टेप का इस्तेमाल करते हुए हम वीवीए में इसको कोड कर दे, तो अगली बार से हम अपना रिपोर्ट जो है विद इन सेकेंड्स में, मिनट्स में तैयार कर लेंगे ऑटोमेटिकली। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है आपको जैसे मेल आया था, क्लास की लिंक मेल आया था। अब इस क्लास की लिंक मेल के लिए मुझे जो है हर 1 घंटे पे 1.5 घंटे पे मुझे स्टूडेंट्स को मेल करना होता है। तो मैं यहाँ पे अपना टाइम स्लॉट डालता हूँ और फॉर्मूले की मदद से मुझे यहाँ लिस्ट आ जाता है। जो लिंक मैंने भेजा वो लिंक मैं यहाँ आपको के लिंक चेंज हो जाता है। गुड मीटिंग का लिंक तो हर मीटिंग में चेंज हो जाता है, वो लिंक यहाँ डालता हूँ और सिलेक्ट करके जैसे ही मैं अपना एक माइक्रो रन करता हूँ मेल का, तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में आउटलुक को, इसको आउटलुक नहीं, जीमेल को खोलता है और आपको मेल कर देता है। तो ये हमने एक ऑटोपायलट बना लिया। अगर ऐसा ना करते तो मुझे हर बार क्या करना पड़ता, कि मुझे ईमेल लिस्ट निकाल के और फिर उसको मेल लॉगिन करके, कंपोज करके, फिर उसके अंदर लिंक पेस्ट करके, फिर मुझे मेल करना पड़ता। तो मैनुअल करने में एक और मेल करने में एक और प्रॉब्लम होती है, वो होती है कि
अगर आप मैनुअल मेल करते हैं तो हो सकता है किसी की ईमेल आईडी छूट जाए या किसी की एडिशनल ईमेल आईडी ऐड हो जाए, या फिर मान लीजिए कि गलत लिंक चला जाए। तो उस केस में हम यहां ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो रिपोर्ट आपको घंटों, मैं इसकी कोडिंग दिखा सकता था लेकिन मेरी इसमें ईमेल आईडी के पासवर्ड डली है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। तो मैक्रो का काम होता है ऑटो पायलट की तरह वर्क करना, किसी भी क्रिटिकल रिपोर्ट को, टाइम लेने वाली रिपोर्ट को इजिली कर देना और ऑटोमेट कर देना, ताकि उस पर जैसे डबल क्लिक करे या क्लिक करे या फिर उसको रन करे, किसी तरह से आप अपने मैक्रो को ट्रिगर करें और आपका रिपोर्ट विद इन सेकेंड में बनकर तैयार रहेगा, वो भी 100% एक्यूरेसी और 1000 टाइम फास्ट। उसके बाद दूसरा जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस, फॉर्मूले बनाने के लिए। फॉर्मूले बनाने जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल बताई, उस एग्जाम्पल जो आपने देखा उसको हम फंक्शन के जरिए भी बना सकते थे। अब दूसरी चीज, जरूरत क्यों है फंक्शन के जरिए बनाने की? जो हमने आपको एग्जाम्पल बताई वो एग्जाम्पल हम और आप लगा सकते, क्योंकि हम और आप एक्सेल को अच्छे तरीके से जानते हैं, एरे को जानते हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि क्या एक आपके जो मैनेजर्स हैं, जो आपके जो आपकी टीम टीम के जो मेंबर या कलीग हैं, उनके लिए आपको एक फॉर्मूला बनाना है। तो अगर आप इसे, थोड़ा देर पहले मैंने एक फाइल दिखाई थी आपको, मैं उसे दोबारा आता हूँ। अब ये इतनी लंबी फॉर्मूला उनको बोल के बना के आप दे देंगे तो फिर वो इसको कॉपी पेस्ट तो कर पाएंगे, लेकिन वो खुद से लगाना चाहे या कहीं और अप्लाई करना चाहे या कंडीशन वगैरह चेंज करना चाहे तो उनके बस की बात है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी फॉर्मूला है। तो इनके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला बना देंगे कि जस्ट आप सेलेक्ट करें और अप्लाई करें। दूसरी चीज, एक होता है, एक हम इसके लिए यूज करते हैं, दूसरा फंक्शन यूज करते हैं कि मैक्रो जब हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं और काम करते आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट में आपका एक परसेंटेज कैलकुलेशन है जिसको आपने 8 या 10 लाइन की कोडिंग से कैलकुलेट किया है, और उस परसेंटेज का इस्तेमाल, उस परसेंटेज कैलकुलेशन इस्तेमाल इस मैक्रो के अंदर 10-15 जगहों में, तो आपको 10-15 जगहों पे कोड को कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा। लेकिन हम उसको फंक्शन में, फॉर्मूला में कन्वर्ट करके हम उस मैक्रो में जहां कॉल कर लेते हैं, इससे हमारा वीबीएम मैक्रो लिखते समय टाइम बचता है। और तीसरा जो होता है यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म इसको हम इंटरफेस कह सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी करते हैं, जैसे मैक्रो आपने प्रेस किया तो जो पॉपअप आया, इस तरह का पॉपअप बनाने का। अब इसका इस्तेमाल क्यों होता है? दो तीन चीजों पर होता है। जैसे कि मान लीजिए डेटा एंट्री, आप किसी से डेटा एंट्री करवाना चाहते हैं लेकिन आप डेटा एंट्री में एक वैलिडेट एंट्री करवाना चाहते हैं, तो यूजर फॉर्म पे चले जाएं और सारे कोडिंग करके इंटरफेस दे दे। दूसरा मान लीजिए कि आपने आपने एक रिपोर्ट है जिसको ऑटोमेट करने के लिए आपने 6 या 7 मैक्रो लगाया हुआ है, लेकिन वो 6 और 7 मैक्रो को एक साथ रन नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप रन करना है। जैसे मान लीजिए पिवट टेबल बनाने का ही आपने मैक्रो बना दिया, तो पिवट टेबल पे अगर इंटरफेस नहीं होता तो 6-7 ऑप्शंस होते कि भाई पिवट टेबल विथ रेंज इन न्यू शीट, पिवट टेबल विथ रेंज इन एक्जिस्टिंग शीट, एक्सटर्नल पिवट टेबल विथ न्यू शीट, एक्सटर्नल पिवट टेबल विथ एक्जिस्टिंग शीट, ऐसे अलग अलग होते। बट क्या हुआ कि इसने एक एक इंटरफेस दे दिया कि आप यहाँ पे चूज करो ऑप्शंस एंड ओके करो, और ओके पे एक सारा ये लगा हुआ है, कोड लगा हुआ है कि वो जो जो सिलेक्टेड होगा उसके बिहाफ से पिवट बनाना है। ये हमारा यूजर फॉर्म होता है। सो हम वीवीए की मदद से क्या करेंगे, तीन चीजें करेंगे, मैक्रोज, फंक्शन एंड यूजर फॉर्म। और मैक्रोज के अंदर वो सारा चीज आता है जैसे कि कनेक्ट वीडी और बाकी चीज जो भी है, चार्टिंग वार्टिंग पिवट वर्ड सब इसमें आता है। इसका मेन मैक्रो है, मैक्रो का सपोर्ट करता है फंक्शंस, और ये जो फॉर्म भी सपोर्ट मैक्रो करता है, क्योंकि वो मैक्रो को एक इंटरफेस देता है। ठीक है, वो बैबल डाउट में नहीं जी,
अब हम बात करते हैं कि वीवी का इस्तेमाल कब करेंगे। देखिए कुछ कुछ चीजें हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए। वीवी का इस्तेमाल पहले आप किसके लिए करेंगे ये जानिए। अगर आप ऐसा फाइल जिसको आप 100-150 लोगों के पास भेजना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, तो मैं उस पर बोलूंगा कि वीवी को अवॉइड कीजिए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि VVA जब भी एक्सेल फाइल आप ओपन करते हैं तो उसमें माइक्रो सिक्योरिटी डिसेबल होता है। मतलब कि वो जैसे ओपन करेगा उसको सिक्योरिटी वार्निंग दिखेगी और माइक्रो अनेबल करने का पॉपअप दिखेगा। अब जो VVA को जानता होगा वो तो अनेबल कर लेगा, जो इससे फैमिलियर नहीं होगा, क्योंकि आपके अलग अलग टीम है, अलग अलग चीजें हैं, तो हर टीम के पास एक्सेल की नॉलेज हो ऐसी गारंटी नहीं है, तो उनको लगेगा कि कोई एरर है या कोई वायरस है, वो फाइल को क्लोज कर देंगे और आपकी रिपोर्ट को नहीं देखेंगे या आपकी फाइल पे काम नहीं। आपको उनको समझाना पड़ेगा फोन करके या फिर मेल करते समय चीज को लिखना पड़ेगा कि प्लीज फर्स्ट अनेबल द माइक्रो देन यूज इट। और दूसरा से मैंने जैसे बताया कि हर किसी के पास माइक्रो का एक्सेस नहीं होता है। जिसके पास माइक्रो का एक्सेस नहीं है वो तो देख नहीं पाएगा। दूसरा, हर किसी के पास एक्सेल भी नहीं होता है। वो लोग ओपन आर जी, एक्सेल व्यूअर, गूगल सीट जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आपका माइक्रो प्रोग्रामिंग वर्क नहीं करता। तो इन शॉर्ट, अगर आप 100-150 लोगों को मेल कर रहे हैं और आपको पता है कि सबके पास वीवी प्रोग्रामिंग का एक्सेस है, यूज करता है, जानकारी है, देन आप वीवी माइक्रो उन फाइलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब माइक्रो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अगर आपकी अपनी फाइल है जिसे आप खुद बना रहे हो, उसको रिपोर्ट बनाना है, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करके रिपोर्ट को नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट करके हम भेजते हैं, तो उस केस में आप अपने हिसाब से जो जहां वीवी इस्तेमाल करना हो कर सकते हो। दूसरा सिचुएशन आती है कि वीवी का इस्तेमाल हम उन प्रॉब्लम पे करेंगे जो हमारा रिपीटेड है। मान लीजिए अभी जो मैं आपको अभी अभी आप जो मैंने आपको मैंने मेल करने वाला सिस्टम बताया, अब वो मेल करने के लिए अगर मान लीजिए कि वो मेल मुझे एक ही बार करना है, तो मैं उसके लिए प्रोग्रामिंग क्यों लिखूंगा इतना? मैं डायरेक्ट जाके मेल कर दूंगा। तो प्रोग्रामिंग हम वहां पे लिखेंगे जहां पे हमें ये पता है कि इस काम को डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि हम वीवी यूज कर रहे हैं प्रोग्राम अपने टाइम को सेव करने के लिए। तो उस केस में दूसरा आता है लेंदी वर्क, मतलब एक ऐसा काम जो आया तो एक बार ही है लेकिन काफी ज्यादा लेंदी। अब एग्जांपल इसका मैं आपको दिखाता हूं। अब इसका एग्जांपल दिखाता हूं। मैं एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कुछ इसके कुछ वेबसाइट का कुछ एलो पेजेस वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, मैं उसी को कॉपी कर रहा हूं। प्रोग्रेस करो, गो टू मीटिंग चल रहा है इसलिए। हाँ ठीक है, तो मैंने इसको इस वेबसाइट में से वेबसाइट को कॉपी कर लिया। अब हो सकता है कि ऐसे लाखों वेबसाइट है, लेकिन फिलहाल फिलहाल मैं इसमें से 8-10 को कॉपी करता हूँ और मैं अपने अब इसी सीट पे पेस्ट करता हूँ। अभी सीट पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और एक छोटी सी प्रॉब्लम इसमें आ गई। प्रॉब्लम क्या आई मैं आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास वेबसाइट्स हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वेबसाइट कंप्लीट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इंडिया लिस्ट, अब इंडिया लिस्ट .com .co .in क्या है, लोकांटो इसका क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम। तो इसकी जो कंप्लीट यूआरएल है, इस कंप्लीट जो यूआरएल है, एड्रेस है, ये इसके
हाइपरलिंक के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, राइट क्लिक, एडिट हाइपरलिंक, और फिर यहां से इसको लिंक को कॉपी करके फिर यहां पे पेस्ट करना होगा। या वैभव जी दूसरा तरीका है? सौरभ जी, वैभव जी, नहीं सर, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। मुझे भी इसकी दूसरा तरीका नहीं मिला और मैंने कभी इस पे रिसर्च भी नहीं किया। ठीक है, तो यहां पे मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इसको हाइपरलिंक को अलग कर। तो इसके लिए अब मान लीजिए कि मेरा काम एक ही बार आया हुआ, ये दोबारा नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका लिस्ट जो है तकरीबन लाखों का है और मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा तो एक दिन के अंदर में मैं यहां से मुश्किल से 500 या 1000, बहुत ज्यादा फास्ट करूंगा तो 2000 ले लूंगा, लाख नहीं ले सकता। तो लाख की इसमें से अलग करने के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम, कई दिन लग सकते हैं। तो इस चीज को हम सॉल्व करेंगे वीवीए के थ्रू। हम सिंपल वीवीए में जाएंगे, विजुअल बेसिक पे एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं और यहां पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फॉर्मूला फंक्शन URL के नाम से। ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बस आप इसका यूज देखिए कि आखिर हम क्यों यूज कर रहे हैं। इसको नंबर होगा और डॉट एड्रेस। अब यहां पे सिंपल मैं URL का फॉर्मूला लगाता हूं, समझे भैरव जी? जी सर। तो ये देखिए कि घंटों काम को बस एक लाइन में कोड किया, जो काम कई दिन में होने वाला था वो आपका। हेलो 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 हेलो, बोलिए। हाँ, सर, आवाज आ रहा है? मेरा प्रश्न बात करो। ओके आपके बैकग्राउंड शोर आ रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया था। ओके तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बनाया URL का और हमने अपना कई दिन का काम कई सेकंड्स में कर लिया। तो इसी तरह से इसका इस्तेमाल करते, सिचुएशन समझ में आ गया कि आप इसको दो सिचुएशन में, अगर फाइल किसी को मेल कर रहे हो तो जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक उसमें VVA का इस्तेमाल ना करें। मैं ये नहीं कहा कि मत करें, जरूरी ना हो तब तक अवॉइड करें। सर, एक आप कॉन्केटिनेट कर क्या बोल सर एक कॉन्केटिनेट करने से भी हो सकता था ना, जैसे https://www. ऐसे, मतलब एक लाइन में डाल के और उसको। ओके कि लोकांटो है तो लोकांटो डॉट कॉम डॉट को डॉट इन क्या है, समझ ओके ओके गए ना? हाँ। तो यहाँ पे दूसरी चीज, आपका जब आपका लेंदी वर्क या रिपीटेड जॉब पे ही करें और जो काम मैनुअल हो सकता है, मतलब मैं बच्चों के यही रेफर देता हूँ कि जो काम एक्सेल से सिंपली हो सकता है उस पे वीवीए का यूज अवॉइड करें, क्योंकि वीवीए का यूज में थोड़ी सी दिक्कत होती है। माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना होता है तभी वर्क करेगा, फाइल का एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, डॉट XLSM हो जाता है, तो उसकी डेटा बहुत सारे जो हमारे डेटाबेस साइट है उस पर अपलोड करते समय दिक्कत होती है। इन सब चीजों के लिए हम बोलते हैं कि जब तक जरूरी ना हो तब तक वीवीए का इस्तेमाल ना करें। क्या वैभव जी, मैं सही बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरी ये मैं आपकी आपकी बिल्कुल चीज सही कह रहे सोच बता हैं। रहा हूँ, मेरी सोच बता रहा हूँ, इसमें प्रूफ रीड नहीं है। ओके, अब इसमें ये हो गया। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग वीवीए।
देखिए आप लोग एक्सेल सीखने वीवीएस सीखने जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आपके पास प्रैक्टिस का टाइम है देन यू कैन लर्न द वीवीएस, क्योंकि वीवीएस इज लाइक अ मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स का की तरह इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वीवी आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि एक करेक्टर यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं। इसी एक्सेल में आप आपको कुछ चीज पता नहीं है तो आप थोड़ी सी तुक्का मार देते हैं ना, एक दो चीज को अप्लाई करके देख लेते हैं, बट वीवी में ऐसा नहीं है। क्योंकि एक लाइन, एक स्पेस या एक डॉट गलत हो गया तो आपका कोड एरर दे देगा। इसलिए प्रैक्टिस के लिए टाइम हो देन यू लर्न वीवीए। अब वीवीए को वीवीए स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों की प्रिपरेशन करनी है। पहले चीज कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर डेवलपर टैब नहीं है तो आप एक्सेल ऑप्शन पे जाएं और एक्सेल ऑप्शन में यहां कस्टमाइज रिबन में डेवलपर टैब को ऑन कर इंटरफेस ले चाहिए। दूसरा, माइक्रो सिक्योरिटी को आपको अनेबल करना है। तीसरा, देखिए दो चीज, ये सब चीजें बता रहा हूं एक ही बार करना है, हर बार नहीं करना है, या फिर आप कर चुके होंगे। अब जब भी एक्सेल फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते समय आपका जो फाइल टाइप है वो एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका एक्सेल वर्कबुक होता है। एक्सेल वर्कबुक में क्या होता है, एक्सेल वर्कबुक में आपका फाइल जो है वो माइक्रो डिसेबल होता है, माइक्रो माइक्रो की जो कंपोनेंट है उसको कैरी नहीं करता है और डिफॉल्ट ही सेट होता है। तो आपने घंटे दो घंटे की मेहनत से माइक्रो बनाई और सेव करते समय भूल गए कि हम मुझे सेव एज टाइप भी चेंज करना है, तो आपका घंटे दो घंटे का जो ये है मेहनत है वो पानी में चला जाएगा। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है कि आप अपने एक्सेल ऑप्शन पे जाए और सेव पे जाए, आप अपने जो सेव फाइल टाइप है उसको फिक्स कर दें माइक्रो अनेबल वर्कबुक में, ठीक है। तो माइक्रो अनेबल वर्कबुक में इसको फिक्स कर, तो हर बार आपको सेव करते समय और दिक्कत नहीं है। ये हमारा माइक्रो की प्रिपरेशन है स्टार्ट करने से पहले। अब चलिए हम बात करते हैं रिकॉर्ड माइक्रो टू का, रिकॉर्डिंग माइक्रो। अब रिकॉर्डिंग माइक्रो क्या है, जैसे कि ये देखिए बहुत सारे लोगों के बीच कंफ्यूजन होता है कि जब हम कोड करते हैं वो माइक्रो का वीवीए कहलाता है और जो रिकॉर्ड करते हो माइक्रो कहलाता है। मेरे पास ऐसे कॉल्स बहुत आते हैं और सबका यही प्रॉब्लम होता है। तो हम ये चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो हमारे उनको भी क्लियर करते जो हमें फोन करते हैं कि जो रिकॉर्ड माइक्रो है ये भी आपका वीवीए प्रोग्रामिंग ही राइट करता है और कोड माइक्रो का भी काम जो आप कोडिंग करते हैं वो भी वीवीए है और दोनों के थ्रू माइक्रो ही बनता है। तो रिकॉर्ड माइक्रो ऐसी फैसिलिटी है कि आप जहां भी आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहां पे दे दिया पूरा, तो जो हमने ये मूवमेंट किया इस मूवमेंट को उसने कोड में कन्वर्ट कर लिया। अब माइक्रो लिस्ट में चले जाए और इसको एडिट करें, इसका कोड आपको दिखेगा कि रेंज a1.select एक्सेल फॉर वैल्यू पूजा, ये भी वीवीए प्रोग्रामिंग ही है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मान लीजिए मुझे फॉन्ट लगाना है, मुझे मान लीजिए अलाइनमेंट करना है या फॉन्ट ही चेंज करना है, मान लीजिए ना। तो अगर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करते समय हम इसको यहां से फॉन्ट चेंज और हम इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं, अब इसकी जो माइक्रो प्रोग्रामिंग है देखिए इतना सारा है।
लेकिन जब हम इसको राइट करते हैं, माइक्रो अगर मान लीजिए मुझे लिखना होगा कि मैं कुछ से कोड करूंगा, तो मुझे क्या करना है, इसका सिंपल करना है, सिंपल लिखूंगा रेंज A1 डॉट फॉन्ट डॉट नेम इक्वल टू एरिया, या जो भी फॉन्ट आपको डालना है उसका नाम, या रेंज। लेकिन इसने इतना लंबा कोड क्यों किया? तो बेसिकली ये वीवीए की ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको फॉलो करता है। जैसे कि मैंने आपको वैभव जी ला कल कल बताया था और आप लोग बताया था कि हम एक्सेल को वीवीए प्रोग्रामिंग है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वैसे एक आम बोलचाल की भाषा वाली लैंग्वेज को के जरिए समझ के सीखेंगे। तो जैसे आप मान लीजिए अपने बॉस के पास जाते हैं और बॉस से बोलते हैं, बॉस मुझे छुट्टी चाहिए, तब तो केजुअली जाके बोलते हैं ना कि बॉस मुझे कल छुट्टी चाहिए, फलाना काम है, मैं नहीं आ पाऊँ। लेकिन इसी चीज को अगर आपको बाय मेल या बाय लेटर देना हो तो उसके लिए क्या ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बॉस मुझे कल छुट्टी चाहिए, मैं नहीं आऊंगा। हम एक प्रॉपर प्रोफॉर्मा को फॉलो करते हैं ना, डियर सर, काइंड रिक्वेस्ट, थैंकिंग वगैरह, क्या बैठक जी। तो जब हम रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं तो रिकॉर्ड मैक्रो भी वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। लेकिन जब कोड करते हैं तो जितना जरूरत है उतना ही लिखते हैं, बाकी हम डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। अब यहां पे मैं एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि जब रिकॉर्डिंग मैक्रो का काम है कि आपके बिहाफ पे वो ऑटो कोड कर देता है, मैं खुद से कोडिंग कर देता है, खुद से कोडिंग कर देता है, और सॉरी सर म्यूट हो गया था, तो खुद से कोडिंग कर देता है, तो फिर हम कोडिंग क्यों सीख रहे हैं? इसका जवाब है कि माइक्रो जो कोड करता है वो बहुत, जो रिकॉर्डिंग माइक्रो कोड करता है बहुत कम करता है। आप डायनेमिक रिपीटेशंस, लूपिंग, कंडीशंस, कनेक्टिविटी, ऐसे पार्ट को रिकॉर्डिंग माइक्रो से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट मैं बोलूं कि वीवीए माइक्रो 5% से भी कम, रिकॉर्डिंग माइक्रो 5% से कम चीजों के लिए, आपके आपकी चीजों के लिए यूजफुल है, तो 5% बहुत है इसके लिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि बेसिकली फिर इसका यूज क्या होगा? तो इसका जो लर्नर है, जैसे आप लोग लर्नर है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पेस्ट स्पेशल का कोड पता नहीं है कि पेस्ट स्पेशल का कोड क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करेंगे और जाकर देखेंगे कि पेस्ट स्पेशल का कोड ये है, क्योंकि ये सब चीज याद करना मुश्किल हो जाएगी ना सर। फिल्टर लगाना है, कोड क्या है, पिवट का कोड क्या है, चार्ट का कोड क्या है, ऐसे कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्या इसके अलावा और भी यूज है? हाँ, इसके अलावा हम और लोग, मैं खुद जो है इसका यूज करता हूँ रिकॉर्डिंग मैक्रो को बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करने के। अब एक रिपोर्ट्स मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके सामने, और रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए हम रिकॉर्ड करते हैं और उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके हम एक अपना रिपोर्ट बनाते हैं। बहुत ज्यादा कोडिंग से बचने के लिए काम करते हैं सर, यहां से देखिए। अब इसमें मेरे पास डेटा है, मैं इसको कॉपी करके एक अलग शीट पे ले जाता हूं। तो बेसिकली मेरा ओवरऑल डेटा है, लेकिन मेरे पास क्या है कि मेल्स आते हैं कि, और बॉस बोलते हैं कि बॉस मुझे मुझे अप्रैल महीने का डेटा दे दो, बॉस बोलते हैं मुझे जुलाई का डेटा दे दो,
वो जानकारी का देता, मुझे ऐसे दिन भर में 8-10 कॉल्स आते रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं हमेशा इसको फिल्टर लगाता हूँ और फिर इसकी डेटा कॉपी करके नई सीट पे डालता हूँ और फिर इसको हम एक नई फाइल में डाल के फिर इसको मेल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक काम मेरा ऑटोमेटेड हो जाए, मुझे ऐसा करने की जरूरत ना पड़े, बस एक मैं बटन पे क्लिक करो बस। तो चलिए इसके लिए आप रिकॉर्डिंग मैपो का यूज करते हैं। और मैं यहाँ पे आया, अप्रैल को सिलेक्ट किया। अब देखिए जब भी आप रिकॉर्डिंग मैक्रो करते हैं तो सिलेक्शन माउस से मत कीजिएगा। अगर सिलेक्शन माउस से करेंगे तो एक पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करने का कोड जनरेट कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो इस्तेमाल करेंगे। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, लेकिन जब भी फिल्टर का डेटा आप कॉपी करें तो कॉपी करने से पहले गो टू स्पेशल में विजुअल सेल्स को सिलेक्ट कर लें। ऐसा इसलिए ताकि पीछे का जो डेटा है वो डेटा आपका कॉपी नहीं हो सके, क्योंकि जब बड़ा फाइल होता है तो हमेशा मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि पीछे का डेटा भी कॉपी हो जाता है। तो वहां पे ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूं। अब देखिए इसमें मान लीजिए इससे पहले सीट था, तो पहले से दी गई सीट के ऊपर पेस्ट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हर बार ऐसा कर लिया आपने तो हर बार आपको सीट चाहिए, मान लीजिए सीट 4 पहले से था मेरे पास, मैंने इसे पेस्ट कर दिया, तो हर बार आपको सीट 4 रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या किया, अभी सीट को ऐड किया फिर पेस्ट किया, तो सीट ऐड करने का कोड इसके अंदर ऐड हो गया। अब मैं सीट के ऊपर रिनेम कर देता हूं, इसे अप्रैल है तो अप्रैल। अब फिर मैं इसको राइट क्लिक करके यहां करता हूं मूव एंड कॉपी और न्यू वर्कबुक एंड ओके, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं डेस्कटॉप में अप्रैल नाम से एक्सेल फाइल। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं और फिर मैं यहां से इस फिल्टर को हटा देता हूं और स्टॉप कर देता हूं। अभी माइक्रो हमने बना लिया, अब देखेंगे यहां पे माइक्रो वन बन चुका है, लेकिन माइक्रो वन वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है। तो चलिए इसमें छोटी मोटी चेंजिंग करके हम डायनेमिक कर देते हैं। तो इसमें जो कुछ अननेसेसरी कोड है उसको हम डिलीट करते हैं। अब यहां पे देखिए A1 से लेके A100 तक K100 है। अब यहां पे दिक्कत हो गई क्योंकि डेटा करके डेट में अगर 200 300 या 500 1000 या कम हो गई तो वहां पे दिक्कत होगा। लेकिन जैसे आपने देखा कि मैं फिल्टर लगाते समय सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट किया और फिल्टर लगा दिया, डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं यहां पे सिर्फ A1 रहने देता हूं, तो फिर वो अपने आप डेटा को ले लेगा करेंट रीजन के अकॉर्डिंग। अप्रैल A1 सेलेक्ट किया, देखिए हमने बोला था ना आपको कि माउस सिलेक्शन करेंगे तो एक एरिया सिलेक्ट होगा, लेकिन माउस से नहीं किया, एक कंट्रोल से एंड वाला मेथड दे दिया स्पेशल। हमने सिलेक्शन कॉपी किया, सीट को ऐड किया और सीट पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सीट 4 डॉट सिलेक्ट एक गलत है, क्योंकि तो जब भी सीट हमारी ऐड होगी क्या वो सीट 4 होगी, वो सीट 5 सीट 6 सीट 1 ऐसी चेंज हो सकती है, तो ये कोड एरर देगा क्योंकि तो सीट 5 उस सीट 4 उसको नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपर में देखा कि एक्टिव सीट पेस्ट, क्योंकि जो सीट ऐड होती है, जैसे मान लीजिए कि हमने जो सीट ऐड किया वही सीट एक्टिवेट है, तो हम यहाँ पे एक्टिव सीट लेते हैं और सीट 4 वाले कोड को चेंज कर देते हैं सिंपल से। अब D12 सिलेक्ट सीट का अप्रैल डॉट सिलेक्ट इसको डिलीट कर देते हैं, अननेसेसरी है, कट कॉपी मोड फॉल्स है, इसको रहने दीजिए। मतलब कि जो स्केप जो कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी करने के बाद जो एक अंतर आता है स्केच मार के हटाते हैं तो होता है कट कॉपी मोड फॉल्स। अब सीट अप्रैल डॉट मूव, अब ये भी दिक्कत है कि तो अप्रैल सीट हमेशा तो रहेगा नहीं, इसके भी हम यहाँ पे एक्टिव सीट कर देते हैं।
वही सीट अभी एक्टिवेट है, हम दूसरा सीट पर मूव किए नहीं ना, सीट अप्रैल ही मूव है ना हमारे पास, हम इसको पेश कर। और एक करेंट डायरेक्ट चेंज डायरेक्टरी है, मतलब कि वो डेस्कटॉप पे चला जाता है, तो इसको भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज फाइल नेम दिया हुआ है, एक वर्कबुक, तो इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, ऐसे करने देते हैं। एक्टिव विंडो डॉट क्लोज A1 डॉट रेस्ट्रिक्शन, सही है। अब ये हमारा वर्क करेगा, लेकिन सिर्फ अप्रैल को ही देगा, और इसको अप्रैल ही बना के देगा। मैं चाहता हूं कि रन करने से पहले मुझसे पूछे किस मंथ का चाहिए, तो जो पूछने वाला पार्ट है वो कोड में यहां डाल देता हूं कि m इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां पे बोल दिया कि एंटर 1। तो जब जब भी हम रन करेंगे तो मुझे एक पॉपअप, एक इनपुट बॉक्स खोल के देगा, पॉपअप खोल के देगा, और उसमें जो मैं महीना एंटर करूंगा वो महीना m पे स्टोर हो जाएगा। अब यहां पे समझिए कि m क्या है। एम जो है ये है टेम्पररी सेविंग लोकेशन, मतलब कि ये आपको जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड आप लेते हैं ना, आपने एक्स इक्वल टू 100 कर दिया, जहां 100 की जरूरत वहां एक्स ले लेते हैं, ऐसे वीवीए में भी हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिए, और जहां मुझे मंथ की जरूरत है वहां पे हम एम ले लिए, एम एंड एम। एम अब यहाँ पे अप्रैल कैसे करें, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एम लिख दूं तो नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि जैन लिया A1 के सेल पे, तो मुझे अगर मुझे कहीं वैल्यू करनी है, तो अगर मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में A1 ले लिया तो A1 आएगा, A1 की वैल्यू नहीं आएगी, मुझे इसको इक्वल A1 लिखना पड़ेगा इन द रेफरेंस फॉर्मेट में। तो यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही एम है ना, तो मुझे इसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर करना, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर करना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा एंड परसेंट से। ओके अब मेरा फाइनली मैक्रो बन गया। अब मैं एक बार इसको टेस्ट कर लेता हूं एक अनोदर मंथ में, मैं अक्टूबर पे से चल सकता हूँ। मैं जैसे मैक्रो को रन करूंगा, रन करने से पूछे एंटर द मंथ, जो इनपुट बॉक्स हमने दिया था उससे ए आता है, और मैंने यहाँ पे OCT कर दिया अक्टूबर, और ये अक्टूबर में लिखूंगा वो एम पे जाके स्टोर। अब मैं इसको फाइल जहां अक्टूबर सेव हुआ है, अक्टूबर सेव हो गया, इस फाइल को खोलता हूं। अक्टूबर का डेटा है, तो बेसिकली हमें रिकॉर्डिंग मैक्रो क्यों इस्तेमाल किया, मुझे प्रोग्रामिंग आती थी, लेकिन क्या हुआ कि ये सारे कोड लिखने से तो बच गया मैं, हमने बस थोड़ी सी एक दो कोड ऐड किया, एक दो कोड को डिलीट किया और चेंज किया, तो हमारा टाइम बहुत कम लगा ना। क्या वैभव जी, सही कह रहे हैं सुजीत जी। अभी सर इसलिए इसलिए तो इस तरह से आप अपने रिकॉर्डिंग करके अपने लिए रिपोर्ट्स बना सकते हैं इस तरह की चीजों से। अब जो मैक्रो हमने बनाया है, अब उसको हम रन कैसे करेंगे, तो रन करने का दो तीन तरीके हैं। आप मैक्रो में जाए, किसी से यहाँ रन कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन पे आए और अपना शॉर्टकट जैसे Ctrl Q Ctrl H ऐसा कुछ और शॉर्टकट बना लें, जो शॉर्टकट नहीं है कुछ असाइन नहीं है वो बनाइएगा, या फिर आप बटन्स, यहाँ पे डेवलपर टैब में हमारे पास बटन्स होता है, ये बटन में आपका दो है, एक एक्टिव कंट्रोल, इस पे कोड करना पड़ेगा, इसके बाद जानते हैं कि आपको फॉर्म कंट्रोल है, इस पे बटन लीजिए और जैसे बटन ड्रैग करेंगे आपसे बोलेगा असाइन मैक्रो, सिलेक्ट कीजिए एड ओके, और फिर इस पे क्लिक करके आप चेंज कर दीजिए अपना नाम।
लेकिन मुझे जो बटन चाहिए वो अपने खुद के बटन चाहिए, ग्राफिकल बटन चाहिए, पिक्चर वगैरह। तो जैसे कि इलस्ट्रेशन में मैं सैप डिजाइन कर लिया या फोटो ले लिया, जैसे लिया। मैं चाहता हूं कि मैं जब इस पे क्लिक करूं तो मेरा मैक्रो रन हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक एंड असाइन मैक्रो, अपना मैक्रो को असाइन। आपका मैक्रो असाइन हो गया, आप जैसे क्लिक करूंगा ये आपका ऑटोमेटिकली इस मैक्रो को रन कर देगा। तो ये थी हमारी आज की क्लासेस। हम बाकी जो के लिए हम बात कर लेंगे, और सैटरडे एंड संडे करना चाहे तो ये बैच अवेलेबल है। मंडे टू फ्राइडे में चाहिए तो मंडे टू फ्राइडे ही बैच मिल जाएगा। और प्रशांत जी, अगले वीक भी मैं आपको क्लास दे दूंगा, ताकि आपकी जो रात के 9:45 का जो बैच में जो चीजें छूट गई थी वो चीजें कवर हो जाए, ठीक है? बाकी 9:45 जो आप ओके कंटिन्यू कर रहे हो उसको कंटिन्यू करें। सर, ओके सर, आज रहेगा क्या शाम को 9:45 का? सैटरडे नहीं सर, सैटरडे संडे नहीं होता है, मंडे टू फ्राइडे। हाँ मंडे टू फ्राइडे 9:45 रहेगा ना? 9:45 ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ के बाकी जो के लिए फोन कर लीजिए मुझे, और जो आज की ओके सर, रिकॉर्डिंग है मैं आप लोगों को आधे से 1 घंटे में भेज दूंगा। ओके सर, ओके बाय। ओके सुजीत जी, थैंक यू एवरीवन।